एचएल टीवी न्यूज। गोलाचीका में बिजली विभाग कर्मचारियों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 23 सब डिविजनों को ठेके पर करने के विरोध में हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ प्रधान जेड शीशपाल व यूनिट प्रधान सवराज सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार बिजली निगम के 23 सब डिवीजन का निजीकरण कर रही है, उसके विरोध स्वरूप आज गोलाचीका के डिवीजन कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बिजली निगम की 23 सब डिवीजनों का निजीकरण कर रही है, जिसका असर जनता पर व विभागीय कर्मचारी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने इस निजीकरण को नहीं रोका तो हमारा धरना आगे आंदोलन का रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की ही होगी। पूरा मामला हरियाणा सरकार ने अपनी सोची समझी चाल के तहत UHBVN DHBVN की 23 सब डिवीजनों को निजीकरण करके निजी हाथों में दे दिया है, जिसका HSE वर्कर यूनियन और ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी दोनों यूनियनें विरोध करती हैं। और कल गेट मीटिंग की थी, आज हमने 3 घंटे का धरना प्रदर्शन किया है। आगे की कॉल जैसे ही सेंटर काउंसिल की आएगी, दोनों संगठनों के नेता कल मीटिंग करके वो आगे की कॉल दे देंगे और जो भी होगा जितना भी होगा ब्लैकआउट तक हम करने के लिए तैयार है। ये है जी, हरियाणा सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत जो UHBVN और DHBVN की 23 सब डिविजनों को प्राइवेट हाथों के अंदर सौंप दिया गया है और वहाँ से हमारे कर्मचारियों की शटिंग स्टार्ट कर दी गई है, और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए और उन 23 सब डिविजनों को बचाने के लिए, ताकि किसी भी सब डिविजन का प्राइवेटेशन ना हो, उसके लिए हमने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन और HSEB वर्कर यूनियन के आह्वान के ऊपर हमने ज्वाइंट में ये धरना प्रदर्शन किया है। पूरे स्टेट के अंदर आज हमारा यूनिट लेवल के ऊपर प्रदर्शन है। गोलाचीका से एलजेड टीवी के लिए बबल कुमार गागड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।